नमस्कार अपडेट थ्री न्यूज को स्वागत करपी खबर आरंभ करवा देशर सबुठ बड़ खबर जम्मू काश्मीर में बड़धरण आतंकवादी आक्रमण में 42 जन जवान शहीद होता बेले 45 जन जवान आहत होती मध्य 18 जनक अवस्था एवं भी संकटपूर्ण रही। आत्मघाती आक्रमण पर निजक दायी कर जैश ई महम्मद आतंकवादी आदिल अहमद विस्फोटक भर्ती गाड़ी जवान बस धक्का विस्फोरण कर आदिल पुलवामा गुंडीबाग अंचल होता बेले दीर्घ दिन धरी जैश ई महम्मद से कम कर एभली आक्रमण पर आदिल को अफगान मुजाहिद जैश्र आतंकवादी गाजी रशीद ट्रेनिंग देता रशीद को काश्मीर नुआ आतंकवादी को ट्रेनिंग देवार दायित्व दि जाता तेज जैश कमांडर रशीद गाजी आईआईडी प्रस्तुत करबारे माहिर थिबा बेले 9 डिसेंबर से काश्मीर में अनुप्रवेश करते गाजी जय आतंकवादी को अस्त्रशस्त्र चलाइबा और विस्फोरण करबारे ट्रेनिंग देउथला। गत किछि दिन हेबो काश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट माध्यम रे आतंकवादी को निपात करुछि सेना जहाँ जैश ई महम्मद मुख्य तथा कुख्यात आतंकवादी मासूद अजहर चिंतार कारण पलटिता कारण ऑपरेशन ऑल आउट जो जैश ई महम्मद अनेक आतंकवादी मृत्युवरण करते खासकर ऑपरेशन ऑल आउट रे मासूद अजहर पुत्रा और भणजा मृत्युवरण करते सेठ सेना उपर आक्रमण करने को षड्यंत्र रचुला मासूद सेना जवान आतंकवादी माने जो भाई भाव आक्रमण करते पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षाकर्मी सामान ढंग से आक्रमण करते आतंकवादी या पूर्व 18 सेप्टेम्बर 2016 में उरी में बड़धरण आक्रमण करते आतंकवादी जो 19 जन जवान शहीद होते उरी ठार पुलवामा जवान होता आक्रमण आहरी सांघातिक रूप नहीं जो 42 जन जवान शहीद होती घटना पर भारत कड़ा प्रतिक्रिया देखा मिलता बेले विभिन्न राजनीतिक दल पक्षर घटना को तीव्र निंदा करा कड़ा प्रतिक्रिया देखा मिली केन्द्रमंत्री तथा पूर्वतन भारतीय सेनाध्यक्ष बीके सिंह घटना पर आतंकवादी को कड़ा जवाब दिजा शहीद प्रत्येक रक्तबिंद हिसाब निजा सह आतंकी हमलार प्रतिशोध निजी शहीद बलिदान व्यर्थ जीवन कहते बीके सिंह पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट में हमारे देश के हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। इन सीआरपीएफ के जवानों की बड़ी बहादुरी साथ में वो वहाँ पर आतंकियों से लड़ रहे हैं और ये जानकर ही इस तरीके का डरपोक हमला किया गया है और इस आईडी ब्लास्ट में हमारे जवानों को जो शहादत मिली है देश का हर नागरिक इसको भूलेगा नहीं, देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। 18 से अधिक सीआरपीएफ जवानों ने जो वीरगति प्राप्त की और 35 से अधिक हमारे जवान जो घायल हैं, इस कायरतापूर्ण उग्रवादी हमले की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम कठोर से कठोर और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वीरगति प्राप्त हुए 18 हमारे सेना के जवानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों के प्रति हमारी दिली संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। पुलवामा में जो हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, बड़ी ही कायरतापूर्ण इस प्रकार का यह हमला है और भारत इसका करारा जवाब देगा। मुझे विश्वास है कि ऐसे जिस प्रकार से हमला करने वाले हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा और हमारी सेना और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस निश्चित रूप से उनको इसका करारा जवाब देंगे। हम इस हमले की भर्त्सना करते हैं। सेपरि जम्मू काश्मीर में बड़धरण आतंकवादी आक्रमण 70 अधिक बस रे 2500 अधिक सीआरपीएफ जवान जम्मू काश्मीर श्रीनगर अभिमुखे हाईवे रे यात्रा करथवा बळे पुलवामा ठरे आईआईडी विस्फोरक भर्ती एक कार जवान बस को धक्का दीथला फल रे घटनास्थल रे बड़धरण विस्फोरण होइथला या पर आतंकवादी पक्षर आरंभ होइथला अंधाधुन गुळीमाड़ जो 42 जन जवान शहीद होता बेले 35 अधिक गुरुतर भाव आहत होती आदिल अहमद नामक आतंकवादी आत्मघाती आक्रमण कर निजक उड़ाइवा सह जवान गाड़ी को उड़ाई यह आक्रमण में पूरा योजना अनुजाई करा दैथिला। आतंकवादी संगठन जैश ई महम्मद पक्षर कहुचे आदिल पुलवामा जिलार निवासी एपरिक आक्रमण पर आदिल फटो सामना को आसी गोटे वर्ष हम जैश ई महम्मद काम करूला आदिल मिली सूचना अनुजाई आदिल विस्फोटक भर्ती एक स्कॉर्पियो गाड़ी द्वारा सीआरपीएफ जवान बस को धक्का
କର୍ପିଓରେ ପାଖାପାଖି 350 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋଟକ ଥିବା ହେତୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବସ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ 44 ଜଣ ଯବାନ ଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ଛୁଟିରୁ ଫେରି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। It was mentioned by IGCRPF. Mm-hmm. It's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. That was a there was a ROP. There was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. Okay. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. Okay. We are now clearing the site. Okay. As and when we get the confirmation of the numbers, okay, we will definitely share. Okay, Mr. Pani, you know, this road is highway is round the clock, protected by the various security agencies, including army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast, how the blast happened, these all sequence of events have to be investigated, then only I'll be able to answer. ଫେରିବା ସେହି ଖବରକୁ। ପୁଣି କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆକ୍ରୋଶ ସହ ଗରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସୈନିକଙ୍କ ବୀରତା ଉପରେ ପୁରା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇଥିବା ଓ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମସ୍ତବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ଭର ରହିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଦେଶ ଅଟକିବନି, କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବେ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣରେ କରି ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏପରି ସମୟରେ ଏକାଠି ହେବେ, ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବୟାନବାଜି ନକରି ଏକାଠି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଭାରତରେ ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେପଟେ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିବା ବୈଠକ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଜେଟ୍ଲି ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଶ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକଘରିଆ କରିବୁ, ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଥା କହିହେବନି ବୋଲି ଜେଟ୍ଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଗୃହୀତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଦେଇଥିବା ମାନ୍ୟତା ଅନୁଗୃହୀତ ହୋଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ଜେଟ୍ଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସିବା ସେହି ଖବରକୁ। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 37 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 45 ଜଣ ଯବାନ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଶ୍ରୀନଗରର ଆର୍ମି ବେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ 37 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୟୁପିର 12 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ 12 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ସମସ୍ତ ଶହୀଦ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଟଙ୍କା ସହ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ଏହାସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଏହା ମାନବତା ପ୍ରତି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଟେ, ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ, ପୁରା ଦେଶର, ଏଥିପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଗୀ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଭାରତ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା କହିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦ ବିପକ୍ଷରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ମାଲଡିଭ୍ସ ଭଳି ଯେଉଁ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏବେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଖତ୍ମା କରିଦେନା ଚାହିଁ ସାର୍, ଇସ୍ ବେଟାକୁ ବି ହମ ଯୁଦ୍ଧ ମେ ଲଢ଼ନେ କେ ଲିଏ ଭେଜ ଦେଙ୍ଗେ, ଇସ୍କୁ ବି ଭାରତ ମାତା କି କୋଖ ମେ ଦେନେ କେ ଲିଏ ହମ ତୟାର ହୈ,
लेकिन पाकिस्तान को इतना धूल चटाना है कि 7 जन्म में एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में, मुर्दाबाद, एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहना चाहिए। हमको भी कहिएगा कूदने के लिए उस आग में, तो हम बम बारूद लेकर के हेलीकॉप्टर से कूदेंगे पाकिस्तान में इस भी स्थिति में भी, लेकिन उसका खत्मा कर देना चाहिए सर। फैमिली में हम 5 भाई थे, सबसे बड़े अजीत भैया थे, उससे छोटे सुजीत भाई हैं, उससे छोटा मैं रंजीत हूँ, और हमसे छोटे 2 भाई हैं, एक मंजीत है वो भी आर्मी में पोस्टेड है भोपाल में, और सबसे छोटा संजीत है पढ़ाई कर रहा है। भाई की शादी हो चुकी थी, कितने लोग हैं भाई के? जी भाई की शादी लगभग 12-13 साल पहले हुई थी, 2 बच्चे हैं उनके, 10 साल की बच्ची है, 1 7 साल की बच्ची है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कायराना आतंकी हमले की हम निंदा करते हैं, यह मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी दल या व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की है, और पूरे देश को इस प्रकार के कायराना हमलों की निंदा करनी चाहिए, और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की वर्तमान में चल रही लड़ाई को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। पुणी फेरवा से घटना को, पुलवामा आक्रमण में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बस आक्रमण में 37 जवान शहीद हो जाते हैं, तेज जवान को क्षत विक्षत शवर रास्ता कड़े पड़ा, किंतु विभिन्न टीवी चैनल रे ए आक्रमण को नहीं विभिन्न आक्रामक उपाय रे कवरेज करा जाउछि। एबे कवरेज को नहीं मोदी सरकार व्यक्तिगत भावे टीवी चैनल को एभली न करबा पई मध्यम परामर्श देछन्ति बा अनुरोध करछन्ति। तबे सरकार को तरफ रु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रे आतंकवादी आक्रमण रे पृष्ठभूमि रे सब टीवी चैनल रे एभली कवरेज देखबा पई बारण करा जाइछि, जेउंतरे हिंसा अधिक बढ़िबो एवं देश विरोधी कथा को अधिक बढ़ाउथुवा कवरेज देखाउथुवो। तबे मंत्रालय तरफ रु जारी परामर्श रे कुआ जाइजे निकटरे घटि जाइथिबा आतंकवादी आक्रमण को देखि सब टीवी चैनल रु सूचाई दिया जाउछि जे सेमाने एभली किछि भी कवरेज देखांतु नहि जहाँ हिंसा को आहुरी बढ़ाइबो अथवा जहाँ आईन व्यवस्था को स्थायी रखबा विपक्ष रे हेबो किंबा देश विरोधी तथा अखंडता को मध्य प्रभावित करिबो। तबे मंत्रालय तरफ रु कुआ जाइजे एसबु प्राइवेट चैनल को एई नियम को दृढ़तार सह पालन करबा को अनुरोध मध्य करा जाइछि। पुणि फेरवा से खबर को, काश्मीर पुलवामा में सीआरपीएफ जवान को ऊपर हुई आक्रमण में मात्र किछि मिनिट पर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद यही आक्रमण में निजक दायी कर जैश ए काफिली पर फिदाइन आक्रमण कर आतंकवादी आदिल वीडियो एवं भाइराल होती। वीडियो में दक्षिण काश्मीर काकपुर रोकता बकाश जैश तथा आदिल पताका आगे बसी देखाई, तेज आतताई आगे ग्रेनेड तथा अत्याधुनिक राइफल रखाई। वीडियोर आरंभ में यही नरसंहारी कहि जितेबले पर्यंत ये वीडियो आपण पाखे पहुँचव से समय रे मु स्वर्ग में बस मजा ने जैश ए मोहम्मद आतंकी रूपे 1 वर्ष काल रही यही संदेश मोर काश्मीर लोकों पर अंतिम संदेश। आदिल वीडियो रे कहि जैश ए संगठन आगु भारत उपर आक्रमण करमान अपहरण 2001 संसद आक्रमण नगरोट आक्रमण उरी आक्रमण ए पठानकोट एयर बस आक्रमण से उत्तर काश्मीर लोकं उस्काई कहुई दक्षिण विपक्ष में लड़े कर एबे उत्तर एवं मध्य काश्मीर सह जम्मूर लोक मान भी लड़िबार समय आसी। वीडियो रे आदिल कहुछि आमर किसी कमांडर को मारी तुम्हें दुर्बल कर पारिबो नहीं, पुलिस सूत्र जना पड़ी आदिल हुसैन तार 19 मार्च 2016 पुलवामा गुड़बांग रु गायब हो जाता, तार 2 बंधु तोसीफ एवं ओसीम मध्य गायब हो जाते, तोसीफ्र भाई भी जड़े आतंकवादी थे जहाँ 2016 मसीह मृत्यु होता। आदिल स्कूल पाठ्यक्रम अधारु छाड़ी आतंकी संगठन में मिशवास अन्यान्य काम लिप्त रहुथला। पुलवामा आक्रमण में काश्मीर गत 2 दशंधि धरी होता यह एक बड़ आक्रमण अटे। 2001 मसीह जैश ए मोहम्मद तरफ श्रीनगर सचिवालय आगे आत्मघाती आक्रमण कर जो 42 लोकर मृत्यु होगा 40 जन लोक आहत होते। गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना
के बस की बात नहीं, हम माजी में भी तुम्हें ऐसे गहरे जख्म दे चुके हैं जिनका भरना नामुमकिन है। IC-814 की हाईजैकिंग से लेकर तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुशरिकों के सरों से बेजे आज़ाद करने तक, बादामी बाग के फिदाइन धमाकों से लेकर टंगडार और नगरोटा के जलते हुए कैंपों तक, पठानकोट एयरबेस से पुलवामा पुलिस लाइंस तक, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास वाकिया BSF कैंप की तबाही से लेकर हमारे जांबाज स्नाइपर्स की गोलियों से छलनी तुम्हारी खोपड़ियों तक, और बड़े बड़े आईडी ब्लास्ट से तुम्हारी गुरूर की अलामत समझे जाने वाली कैस्पर्स की तबाही से लेकर तुम्हारे ऑफिसर्स की टारगेट किलिंग तक, बहुत सारे ऐसे डरावने ख्वाब हैं जो तुम्हारी नींदें हराम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम तुम्हारी मिन्नत नहीं करते कि जुल्म बंद करो, और न ही तुम्हारे आगे रहम की भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, बल्कि तुम्हारे इस जुल्म से हमारे जिहाद को और कुव्वत मिल रही है, और हम हाथ जोड़ने के बजाय बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों को बजोरी जहाद तोड़ फेंकेंगे जिनसे तुम इस्लाम की मुकद्दस इमारत को गिराने के नापाक ख्वाब देखे बैठे हो। हम पे ये कर्ज था कि हम फिदाई ने जैश मोहम्मद अपनी तारीख दोहराते हुए अपना खून पेश करके तुम्हारी आर्जी खुशियों और खुशफहमियों को मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे घरों से लेकर तुम्हारे शिरक के ऐवानों तक मातम बरपा कर दें। अभी सिर्फ मैंने अपने हिस्से का कर्ज और फर्ज अदा किया, और मैंने अपनी जान का नजराना पेश करके उम्मत का सर फिर से बुलंद कर दिया, और मुझ जैसे हजारों अब भी तुम्हारी तबाही का सामान किए अपनी मंजिलों को पाने को बेहतर। सिविर काश्मीर और पुलवामा में CRPF जवान को ऊपर हुई आक्रमण को शुक्रवार अमेरिका निंदा करी एवं सबु देशर आतंकवादी को सुरक्षा देवा तथा समर्थन न देवा पाई अपील करी। ए आक्रमण पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश मोहम्मद तरफ रही जो 37 अधिक जवान शहीद हो जाते संगठन आत्मघाती आतथाई पुलवामा में CRPF जवान को एक बस में विस्फोटकपूर्ण बाहर नहीं पिटी जहाद्वारा जवान शरीर छोट छोट टुकड़ा हो रास्ता सारा बिछेवे पड़ता। आक्रमण को अमेरिकार वैदेशिक मंत्रालय निंदा करथवा बळे एक बयान जारी करिछि जे उथरे कहा जाइछि जे आतंकवादर मुकाबला भारत सरकार सांगरे अमेरिका सबुबळे रहिछि। शहीद जवान परिजन प्रति संवेदना व्यक्त करी अमेरिका विदेश मंत्रालय उपप्रभात प्रवक्ता रॉबर्ट पेलाडिन कहिछन्ति जे जम्मू काश्मीर रे CRPF जवान उपरे होइथवा आक्रमण को अमेरिका निंदा करुछि। सुरक्षा मामलें कैबिनेट कमिटर बैठक में आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह सह CRPF DG कथबार्ता हो जो थे से घटनाक्रमे आलोचना करेंगे। बैठक शेष होगा 12 समय गृहमंत्री और DG श्रीनगर गस्त बाहर से CRPF समस्त शहीद जवान को श्रद्धाजलि अर्पण कर एक विशेष विमान में गाजियाबाद हिंडन एयरबस को निठार शहीद शव तक अंचल को जीव उत्तर प्रदेश 10-12 जन जवान और पंजाब 4 जन जवान 4-5 जन जवान होता बेले अन्य राज्य 2 जन जवान अच्छा से भाई ओडिशा में 2 जन जवान अच्छा। इट इज वेरी सैड इंसिडेंट। वी हैव बीन लूजिंग अवर जवान्स एवरी डे इन जम्मू कश्मीर। एर्लियर व्हेन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर एट द सेंटर when terrorist attack took place, the present Prime Minister Narendra Modi was criticizing our Congress government. So far this government has not taken any steps to curb terrorism in Jammu Kashmir. On the other hand, it is increasing. They have not found out any solution for this, and we are losing our innocent jawans who became the victims day in and day out in Jammu Kashmir. My heart goes to the people of the family members of the jawans who passed away in the terrorist attack. Abhi tak jo information hamara paas hai, ek Adil ka naam aaya tha, unka photograph bhi unhone publish kiya hai, but koi saboot nahi hai, proof abhi tak nahi hai. Hamara FSL forensic team baki team wahan pahuncha hai. As far as the death is concerned, I was told it was initially 18. 3 people were taken to the hospital. They also were in very critical condition, so it could be 20. But I am only basing on telephonic reports I am getting from the field. But this somebody mentions that it could be a attack by a bomb-laden car or something. It's too premature for me to confirm it. I am getting various input from others, and later on we'll be at it. Meri puri sahanubhuti samvedna उन सब परिवारों के साथ है, उनके परिजनों के साथ है। गुस्सा सबके अंदर है, मेरे अंदर भी।
लेकिन गुस्से के अंदर कोई चीज़ हड़बड़ाहट में नहीं की जाती, हर चीज़ को सोच समझकर ठंडे दिमाग से किया जाता है। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश के नेतृत्व पर कि वो हर चीज़ को सोच समझकर सही समय पर सही जगह पर इसका जवाब देंगे। पुणि फेरवा से ही दुखद घटना घटना को पुलवामा आक्रमण में दुईज ओडिया जवान शहीद होती सेने जगतसिंहपुर जिला नावगा शिखर गाँवर प्रसन्न कुमार साहू एवं गतकाल आक्रमण से शहीद होती तेज सीआरपीएफ रि बाटालीयन कार्यरत थे साहू। ए खबर आसवा पर गाँव में एक प्रकार शोकर छाय खेली जाता माँ और पत्नी गुमरी गुमरी कादुले प्रसन्न बहुत मेलापी थे किसी दिन तले से गाँव को आसी तेज हठात शहीद होगा खबर को कई सहजे ग्रहण करपटे नियाली रतनपुर गाँवर मनोज बेहरा पुलवामा आक्रमण में देशपाई शहीद होता सूचना मिली। खबर आसवा पर गाँव में शोकर छाय खेली जाइए मनोज को दुई वर्ष झील अच्छा तेज मनोज को गाँ लोके झुरुंच सूचना जो कि कश्मीर आतंकवादी आक्रमण में सारा देश एक प्रकार स्तब्ध हो जाए। सीआरपीएफ पक्ष सद्य जारी करा रिपोर्ट अनुजाई 37 जन जवान प्राण हर बेले आतंकवादी आक्रमण में 45 जन जवान आहत होती से 13 जन गुरुतर थी बेले श्रीनगर आर्मी बेस हस्पिटाल भर्ती करमी आक्रमण पूर्व केवे होन तेज तेणु एत बड़ आक्रमण केमी है तदंतपाई घटनास्थल को जीव एनआईए रारजिया टीम एनआईए एनएसजी टीम भी पुलवामा जी सेपटे जम्मू काश्मीर मुतयन सुरक्षाकर्मी आज एक प्रकार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बस सीआरपीएफ उच्च पदस्थ सामिल है। बाबा देश जीवन एटा तो प्राउड फील कर फैमिली प्राउड फील कर बापा जो हाथ टा मुंड पड़ा ये तो खसी ना मन दुख तो हम निश्चित झील हिसाब से बहुत प्राउड फील कर बाबा देश किसी करने को जाकि शहीद होती अपडेट 3 बुलेटिन रे समय पे ब्रेक रहा।